हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास जो सेट है यह रेडमी का रेडमी 6 है, और इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों वह रिंगर स्पीकर का। आप देख सकते हैं इसका जो रिंगर है दोस्तों ये नहीं चल रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि रिंगर स्पीकर को बीप मूड में रख कर चेक करना होगा, इसमें जो कि दोस्तों बीप का आवाज़ आएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो पत्ता है इसको आपको चेक कर लेना होगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि स्पीकर सही से जो कि टच ना करने के कारण भी आता, उसके बाद नीचे वाला जो पत्ता है उसके कारण भी कभी कभी आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कोयल है दोस्तों, इन दोनों को भी आपको अच्छे से जो कि चेक कर लेना है। इन दोनों कोयल दोनों में से कोई एक कोयल कट होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपको जो कि दोस्तों दोनों को चेक करना, अगर वे दोनों सही है तब आपको मदरबोर्ड पे देखना होगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपना पीसी में। तो आप देख सकते हैं मैं जो कि हूँ अपना पीसी में आ चुका हूँ दोस्तों, उसके बाद इसको एडिट में ले लेते हैं ताकि आपको जो कि दोस्तों अच्छे तरीके से हम समझा सकें। तो दोस्तों हम जो कि अपना पीसी में खोल लिए हैं, उसके बाद जो कि दोस्तों हम रूलर पेंसिल को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। उसके बाद जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो कि है नेगेटिव वाला लाइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये नेगेटिव वाला लाइन इस कोयल में यहाँ तक आ रहा है, और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वे है आपका पॉजिटिव सिरा यानी कि लाल वाला। तो दोस्तों वे जो कि है कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक आपको जो कि दोस्तों एक बार चेक कर लेना होगा, क्योंकि कई बार यहीं से कट हो जाते हैं, ज़्यादातर यहीं से कट होते हैं दोस्तों, बहुत कम जो कि है मदरबोर्ड का प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों अगर पत्ता उत्ता कट जाता तब यहाँ से आपको जम्पर उठाना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक टीना लगा हुआ रहता है, टीना को कट करने के बाद ये निकलता है। तो उसके बाद जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ से कुछ इस प्रकार का उसमें जो कि है लाइनिंग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो कोयल है इसको आपको एक बार शॉर्ट करके भी देख लेना होगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो ये कोयल है ये कोयल भी अंदर से लीकेज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हम जो कि आपको दिखा दे रहे हैं ड्रॉ करके। उसके बाद जो कि दोस्तों दूसरा जो नेगेटिव वाला लाइन है दोस्तों वे भी यहीं पे एक और कोयल लगा हुआ रहेगा, वहीं पर जो कि आपको लाइन मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो कि है इसमें लाइनिंग आते हैं। तो आपको जो कि दोस्तों अच्छी तरीके से आपको देख लेना है कि आपका जो ड्रॉ हुआ है मतलब लाइनिंग है या नहीं। उसके बाद दोस्तों कई बार जो कि ये वाला जो कोयल दिखा रहे हैं हम आपको, ये वाला कोयल भी कई बार ख़राब हो जाता है, इसीलिए आपको जो कि आगे वाले सिरे से ले लेना है अगर नहीं काम कर रहा है तो। तो दोस्तों हम जो कि आपको अच्छी तरीके से एक बार दिखा दे रहे हैं कि कहां से कहां तक जम्पर किया। तो आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से से यहां से लेके यार मदरबोर्ड को जो कि है दोस्तों, मदरबोर्ड के नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों ये वाला, उसके नीचे वाला हिस्सा से हम जो कि है वहाँ पर एक टीना लगा हुआ था, और हम जो कि है टीना को थोड़ा सा कटिंग करके रिमूव किए हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका जो कि है जम्पर करना है। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपका जो कि है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकले तो आप क्या करना है, तो चलिए हम जो कि है पहले आपको एरिया दिखा दे रहे हैं। यहाँ जहाँ तक हम जो कि है दोस्तों गोला बनाए, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे रिंगर स्पीकर से रिलेटेड है। तो आपको सारे इस जो पार्ट्स है इसको अच्छे तरीके से आपको चेक कर लेना है, अगर कोई शॉर्ट वॉट निकले तो उसको आपको रिमूव कर लेना है, और अगर सब कुछ सही दिखाई दे दोस्तों तो आपको जो कि इसका जो आईसी रिंगर का उसको आपको चेंज कर लेना है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।